कसम से बोल रहा हूँ, इस ड्रामे को मत छोड़ना भाई। मतलब इसको बिना देखे मत रहना। सारे ड्रामे छोड़ दो, उसको मत देखो, लेकिन इस ड्रामे को डेफिनेटली देखना। कई दफा ऐसा होता है कि हम ड्रामे के ट्रेलर या फिर उसके पोस्टर से ड्रामे को जज कर लेते हैं, वैसा ही मैंने भी किया था। एक्चुअली में मैं बताऊँ तो इस ड्रामे को मैं स्किप करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा लास्ट में कि चलो एक दो एपिसोड देखते हैं कैसा लगता है। और सच बता रहा हूँ कि जैसे ही मैंने इस ड्रामे को देखना स्टार्ट किया, 10 से 15 मिनट मैंने इस ड्रामे को देखा और इस ड्रामे ने मुझे हुक कर लिया। और मैंने किस तरह से ड्रामे को निपटा दिया ये मुझे भी नहीं पता। ड्रामे की बेसिक डिटेल के बारे में यदि हम बात करें तो ड्रामे को 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामा कॉमेडी लव रोमांस पे बेस्ड है, जिसको पूरी तरीके से देखकर खत्म करने के लिए आपको टोटल 16 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे प्लस में रख के प्रेजेंट करी गई। अगर बात करें इस ड्रामे के अंदर कहानी की, तो इसमें कहानी देखने मिलती है दो जुड़वा भाइयों की, कांगहो और हंसुओ की। जो हंसुओ है वो एक जज है और कांगहो एक एथलीट है, और ये हमेशा जेल आते जाते रहता है, जैसे जेल नहीं इसका ससुराल हो गया हो। ड्रामे में कहानी के अंदर एक ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन हंसुओ को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। क्यों किडनैप करते हैं ये तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। वही कांगहो अपने भाई से मिलने के लिए उसके रूम पर जाता है। वहां पर जाने के बाद उसके कुछ कलीग उसको हंसुओ समझ करके सीधा उसको कोर्ट लेकर के चला जाता है। एक बंदा जिसको लॉ के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, वो किस तरह से जजमेंट देता है। और जब उसका भाई वापिस आएगा तो क्या होगा, और उसकी एक कलिक जिसका नाम होता है सॉन्ग सुयोन, वो उसे पसंद करने लगती है। तो जब उसे पता चलेगा कि ये जज नहीं कोई और है, तो फिर क्या सारी चीजें होंगी। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। देखो अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, तो मैं कहूंगा ड्रामा ये वन है। ड्रामे की स्टोरी परफेक्ट है, जिस तरह से इसको प्रेजेंट करा गया है काबिल तारीफ है। और जो सबसे ज्यादा ड्रामे के अंदर आपको एंटरटेन करेगा वो है कांगहो, और उसकी जो फेस एक्सप्रेशन है भाई साहब उफ काबिल तारीफ। और जिस तरह से वो अपना जजमेंट देता है, मतलब कहो कि ड्रामे का बेस पार्ट वो है जहाँ पे वो जजमेंट देता है, यानी कि जब भी कोर्ट में ट्रायल वाला सीन आएगा ना, तो वहाँ पे आप सोचोगे कि ये बंदा क्या बोलने वाला है, क्या करेगा इस केस के बारे में। वो सारी चीजें आपको ड्रामे में कनेक्ट करके रखता है, क्योंकि एक बंदा जिसको लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो अपना जजमेंट कैसे देगा, क्या बोलेगा, ये सारी चीजें जानने के लिए आपके मन में मतलब एक्साइटमेंट रहती है और आप उसको देखना चाहते हो। ड्रामे की डबिंग परफेक्ट है, और तो और ड्रामे में जो कॉमेडी पंचेस है वो जबरदस्त है और आपको फील भी होगी। ड्रामे के अंदर आपको एक बहुत ही उलझा हुआ यानी कि पेचीदा लव स्टोरी भी देखने मिलती है। ड्रामे के अंदर जितने भी करेक्टर है वो सारे के सारे एंटरटेन करेंगे। सभी की करेक्टर डेवलपमेंट हाई लेवल की करी गई है, जो कि आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करके रखेगी ड्रामे में। अगर आपको एक परफेक्ट ड्रामे देखना पसंद है जिसमें हर एक चीज जबरदस्त हो, तो इस ड्रामे को देखो, जो कि Amazon मिनी टीवी पे आपको मिल जाएगी हिंदी डब लैंग्वेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।